हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फैन वांग एंड सन वांग। सो गाइस, कल मेरी एक सब्सक्राइबर का बर्थडे था, मैंने उन्हें बर्थडे विश नहीं कर पाई कल। मैं काफ़ी ज़्यादा टायर्ड हो गई थी, मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा था, तो इसलिए मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। रात को मैं कब सो गई मुझे खुद नहीं पता चला, सो आई एम रियली सॉरी उसके लिए। चलिए आज मैं विश कर देती हूँ आपको, ठीक है? हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर। आई होप तुम्हारी सारी विशेस पूरी हो। तो चलिए ये पार्ट मैं स्टार्ट करती हूँ। स्टार्ट करने से पहले मैं एक और बात बता देती हूँ, मैंने यहाँ पे एक चीज़ नहीं बताया आपको। यहाँ पे विंग भले ही 30 ईयर का है, मतलब वो 30 साल का है, और वांग जी भले ही 20 साल का है, ठीक है? वांग जी 20 साल के होने के बावजूद भी उसकी बॉडी जो है ना काफ़ी ज़्यादा मस्क्यूलर है, मतलब वो काफ़ी ज़्यादा बॉडी बिल्डर, एक जैसे कि एक बॉक्सर होता है ना, जिस तरीके से एक बॉक्सर की बॉडी होती है ना, ठीक उसी तरीके से उसकी बॉडी है, वांग जी की बॉडी है, ठीक है? वांग जी काफ़ी ज़्यादा जिम करता है, एक्सरसाइज करता है, तो इसीलिए उसकी काफ़ी अच्छी खासी बॉडी बनी हुई है, ओके? और सेकंड विंग भले ही 30 साल का है, बट वो आता है वांग जी से हाइट में नीचे, मतलब वो उसकी हाइट जो है ना वांग जी के करीब कंधे तक ही आती है, ठीक है? और वांग जी विंग से लंबा है, और विंग जो है ना वो 30 साल का है भले ही, बट उसकी बॉडी जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा स्लिम है, मतलब एक मतलब परफेक्ट ओमेगा के सेफ में है उसकी बॉडी, ठीक है? विंग हाँ वो एक्सरसाइज तो करता है, भले ही मैंने कभी स्टोरी में बोला नहीं कि एक्सरसाइज नहीं करता है, बट वो एक्सरसाइज करता है, बट उसकी बॉडी जो नहीं, जैसे मतलब एक तरीके से बॉडी बिल्डर टाइप बॉडी होती है वैसी नहीं है, उसकी बॉडी स्लिम है, ठीक है? तो इसी तरीके के बॉडी में आप लोग इमेजिन करना, ये मत इमेजिन कर लेना कि वांग जी पतला दुबला सा है, टीनेजर है, विंग से थोड़ा सा हाइट में छोटा है, ओके? ऐसा कुछ नहीं है। वांग जी भले ही 20 साल का है, बट उसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, परफेक्ट एक हस्बैंड मटेरियल है, जैसे कि हम लोग इमेजिन करते हैं एज अ लान वांग जी या फिर वेवोशान, ठीक है? उसी तरीके से उसकी बॉडी है, ओके? एंड विंग की बिल्कुल स्लिम, जैसे कि नॉर्मली बॉटम्स की होती है वैसी है, ठीक है? चलो अब मैं नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करती हूँ। सो शादी हो चुका है, अब आई है बारी वेडिंग नाइट की। इस वक्त विंग जो कि अपने रूम में बैठा हुआ है, वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में, क्योंकि वो उसे यहाँ पे वो आना नहीं चाहता था, उसे ज़बरदस्ती इस रूम में लेके आया गया है। चलिए हम देखते हैं किस तरीके से लाया गया। मॉम मैंने कहा ना, मैं नहीं जाऊँगा उस रूम में, पहले मैं बिल्कुल नहीं जाऊँगा, मैं उससे बड़ा हूँ यार, मॉम आप समझ क्यों नहीं रहो? तभी जियांग चंद पीछे से बोलते हैं, तुम बड़े भले ही होगे, लेकिन तुम हो एक ओमेगा, समझ में आया? तुम्हारा वो पार्टनर है, तुम्हारा अल्फा वो है, तो देखो चाहे तुम कितने भी एज के हो जाओ, लेकिन रूम में तो ओमेगा ही ना वेट करेगा अपने अल्फा की, अल्फा थोड़ा ना वेट करेगा। तो विंग बोलता है, जियांग चंद तुम ये जो बड़बड़ बोलते हो ना, ये बोलना बंद कर दो, ठीक है? अपने माउथ से ये सब बिल्कुल भी वॉइस बंद निकाल करो, मुझे इरिटेटेड फील होता है तुम्हारी वॉइस सुन के, ठीक है? तुमने जहाँ यहाँ से मुझे नहीं जाना, पहले उसको बोलिए वो जाएगा रूम में। तो जो विंग की मॉम है कांकी सरन, वो बोलती है, बस बहुत हुआ विंग, जाओ रूम में जाओ। और विंग मासूम नजरों से देखते अपने मॉम को और बोलते मॉम, तभी उसकी मॉम बोलती है, वीवशान अंदर जा। मैंने कहा ना अंदर जा।
तो विंग जो है ना एकदम पप्पी आए से देखते अपने मदर को, बट उसकी मदर उसको ढकेल लेती है रूम में और फिर बोलती है तुम्हारा अल्फा तुम्हारे पास आए और वो तुम्हारे साथ जो भी कुछ करना चाहे तुमसे करने दोगे, समझ में आया, तुम उसे रोकोगे नहीं। और हाँ ये सुन लो, मुझे जल्द से जल्द ग्रैंड चाइल्ड चाहिए तो चाहिए, मुझे नहीं पता कि तुम क्या करोगे, तुम दोनों को मेरे एक ग्रैंड चाइल्ड तो देना ही पड़ेगा, समझ में आया, ग्रैंड चाइल्ड मुझे चाहिए तो चाहिए। तभी उधर से मिसेस लैन आती है और बोलती है बिल्कुल सही कहा, एक ग्रैंड चाइल्ड तो होना ही चाहिए यार, सबके में जितने भी फ्रेंड्स हैं ना सबके ग्रैंड चाइल्ड हो गए, मैं सिचिन को भी बोलता हूँ बोलती हूँ कि वो भी एक ग्रैंड चाइल्ड कर ले, मुझे एक ग्रैंड चाइल्ड दे दे, लेकिन कोई मुझे नहीं देता है, सच में मुझे बहुत गुस्सा आता है। तो लैन काकेसन बोलती है सही कहा तुमने, मेरे भी काफ़ी सारे पड़ोसियों अड़ोसियों सब सब सबका ग्रैंड चाइल्ड हो चुका है और एक मैं ही हूँ जो कि बिना ग्रैंड चाइल्ड के हूँ, यार मुझे भी देखना है मेरे ग्रैंड चाइल्ड को, मुझे नहीं पता, तुम लोग अपने वेडिंग नाइट को स्पेंड करो और मुझे एक ग्रैंड चाइल्ड दो, समझ में। बोलता है मेरे साथ ही क्यों आप लोग ज़बरदस्ती कर रहे हो, मैं आपका ही बेटा हूँ ना। तो उनकी मॉम बोलती है हाँ तभी तो इतने दिनों तक तेरे नखरे को झेली हूँ मैं, अब मुझे नहीं सुनना, मुझे एक ग्रैंड चाइल्ड चाहिए, ऐसा बोल के वो सभी चले जाते हैं। अभी अपने रूम में इधर से उधर घूम रहा है और बहुत ज़्यादा गुस्से में, और वो बोलता है मेरे साथ ही ये सब करना है, पता नहीं क्या मिलता है मॉम को मेरे साथ ऐसा करके, गॉड कहाँ फंसा दिया मुझे, मेरी शादी हो गई अब ग्रैंड चाइल्ड भी तो बिल्कुल नहीं, मैं अभी तो बिल्कुल भी नहीं दूंगी, थक गया हूँ बहुत परेशान हो गया हूँ, ऐसा सोच के वो इधर से उधर अपने रूम में घूमने लगता है। यही वो सीन। इस तरफ हम वांगजी का सीन देखते हैं, वांगजी के पास उसके सभी मतलब जो उसके फादर थे मतलब वी चांग से और साथ में लान चिंगनजुन और लान कुरान भी थे और साथ में जो जियांग चेन है वो भी आ जाता है और लान से चेन भी थे। तो लान से चेन बोलते हैं कि वांगजी अब तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हारा ओमेगा जो है वो तुम्हारे रूम में वेट कर रहा होगा तुम्हारे लिए। तो वांगजी बोलता है क्या गगा आप मजाक कर रहे हो क्या, मेरा ओमेगा मेरे लिए वेट करेगा, वो तो मुझसे शादी भी नहीं करना चाहता था, आप लोग ही हैं जो कि ज़बरदस्ती उसके साथ किए हैं, पता नहीं रूम में जाते ही कहीं वो मुझे मारना ना स्टार्ट करते। तो चिंगजन बोलते कैसे अल्फा हो तुम, हाँ अपने ओमेगा को कंट्रोल नहीं कर सकते, और हाँ एक बात सुन लो मुझे 2-3 महीने के अंदर अंदर मुझे गुड न्यूज़ चाहिए, समझ में आ गया। तो विचांग से बोलते हैं हाँ सही कहा, मुझे भी गुड न्यूज़ चाहिए तो चाहिए, मुझे ये सुनना है न्यूज़, समझ में आया, तो तुम लोग कुछ भी करो मुझे गुड न्यूज़ चाहिए, ठीक है अब चलो जाओ रूम में जाओ। वांगजी बोलता है क्या मुसीबत है, वो मुझे टच भी नहीं करने देगा और आप चाहते हो कि मैं आपको गुड न्यूज़ दूँ। तो विचांग से बोलते हैं अरे अब वो तुम्हारा है, अब तुम उसके साथ कुछ भी करो, बस हमारा काम कर दो, मतलब हमें गुड न्यूज़ दे दो। तो चिंगजन बोलते हैं देखो सिचेन ने तो अभी तक दिया ही नहीं है, वो पता नहीं क्या उसको प्रॉब्लम हो गई है कि वो गुड न्यूज़ तो देना से रहा, तो तुम ही दे दो ना। वांगजी बोलता है बहुत अच्छा लोग से आपने डिमांड किया है, हाँ बहुत अच्छे पार्टनर से डिमांड किया है, हम बहुत अच्छे कपल है क्या आपको दिखाई दे रहा है, हाँ विंग इतना ज़्यादा मुझे मतलब हमारा विंग सर इतनी ज़्यादा मेरे से गुस्सा है, मुझसे गुस्सा है और आपको लगता है कि मतलब वो गुड न्यूज़ देने देंगे आपको। तभी वी चांग से बोलते हैं तुम उसे सर सर क्या बोल रहे हो, हाँ सर क्या बोल रहे हो उसे, वो तुम्हारा ओमेगा है तुम उसका नाम यूज़ कर सकते हो, तुम ले सकते हो उसे। तो मान जी बोलते हैं नहीं वो मुझसे बड़े हैं, मैं उनका नाम इस तरीके से नहीं ले सकता। तो चिंगनजुन बोलते हैं अच्छा ठीक है तुम उसका नाम तो तुम ओमेगा ओमेगा बोल दो ना। तो सचिन बोलते नहीं नहीं ये थोड़ा अजीब लग रहा है, तुम वेगा का या फिर विंग गगा बोल सकते हो। तो वांगजी बोलते हैं ये ठीक है गगा, अच्छा ठीक है अब मैं जा रहा हूँ रूम में, ठीक है भगवान से प्रेयर कीजिएगा कि मैं सुबह जिंदा आऊँ, ऐसा बोल के वो चला जाता है। इधर सचिन बोलते हैं जिंदा आऊँ का क्या मतलब, वो मर जाएगा क्या रूम में जाते ही। तो चिंग वी चांग से बोलता है
पता नहीं क्या होगा इन दोनों का। ऑफ, शादी तो कर दिया हम लोगों ने, लेकिन अब होगा क्या? चलो चलो देखते हैं क्या होता है। ऐसा बोल के वो लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं। इधर हम वांगजी को देखते हैं, वांगजी जो कि धीरे धीरे डरते हुए जाता है विंग के रूम में। विंग के रूम में जाता है, रूम में जाने के बाद वो धीरे से, मतलब पहले डोर को ओपन करता है और फिर अंदर चला जाता है और फिर डोर को बंद कर देता है। और जब पीछे मुड़ के देखता है तो विंग जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से में उसको घूर रहा था, तभी वांग जी उसके पास एक स्माइल करते हुए आता है और फिर बोलता है सो। तभी विंग जो है ना वो गुस्से में घूरते हुए बोलता है, क्या है हाँ, जाओ जा करके फ्रेश होके सो जाओ, दिमाग खराब करना है। तो वांग जी बोलते हैं पर फादर ने कहा है। तो विंग बोलता है, बकवास नहीं, ठीक है जाओ सो। तो वांग जी बोलते हैं, ऐसे कैसे सो जाऊँ, आज मेरा फर्स्ट नाइट है, मैं अपने फर्स्ट नाइट को लेकर के काफ़ी सारे सपने देखा था और आप मुझे सोने के लिए बोल रहे हो। तो विंग जो है ना बहुत ज़्यादा गुस्सा जाता है और वो बोलता है, फर्स्ट नाइट तुम्हें मनाना है हाँ, इतना मारूंगा ना तुम्हारा होस्ट घने आ जाएगा। और एक बात कान खोल के सुन लो, अगर अगर ये बात कॉलेज में किसी को भी पता चला ना तो मैं तुम्हें सच में मार डालूँगा। तो वांग जी पूछता है, कौन सी बात? तो विंग जो है ना एक गहरी सांस छोड़ता है और फिर बोलता है, यही कि हम दोनों मैरिड हैं, समझ में आया, ये बात किसी को भी नहीं पता चलना चाहिए और ये बात सीक्रेट ही रहना चाहिए कि हम दोनों मैरिड हैं, किसी को भी नहीं, मतलब किसी को भी नहीं, और तुम्हारे दोस्तों को भी नहीं पता चलना चाहिए कि हम दोनों मैरिड हैं, समझ गए? तो वांग जी जो है ना गहरी सांस छोड़ता है और फिर बोलता है, क्यों आप डरते हो क्या? तो वी जो है ना वो बोलता है, मैं डरता नहीं हूँ, मेरे को ना एम्बैरस फील होगा, तुम इतने ज़्यादा छोटे हो मुझसे एज में और मैं इतना बड़ा हूँ तुमसे एज में, सब क्या कहेंगे कि मैंने अपनी से छोटी एज के अल्फा से शादी कर लिया, इतनी ज़्यादा मेरी बॉडी की नीड्स थी कि मैंने इतना यंग अल्फा को चूज़ किया है, मेरी ही इंसल्ट होगी सारे टीचर्स के बीच, इसीलिए तुम चुपचाप अपनी पढ़ाई करना और मैं चुपचाप अपना शांति से पढ़ाई करवाऊँगा, समझ में? हम कॉलेज में अजनबी है और हाँ घर पे भले ही तुम मेरे पार्टनर हो लेकिन मुझसे दूर रहो, समझ में? ऐसा बोल के वो बाथरूम में चला जाता है। जब वो बाथरूम से बाहर निकलता है तो वो वांग जी को देखता है जिसके फेस पे काफ़ी ज़्यादा पाउट था, देखने से तो यही लग रहा था कि मतलब वो पाउट बना के रखा है, लेकिन वो इग्नोर करता है और फिर वो चला जाता है बेड के दूसरे साइड और जा करके सो जाता है। इधर वांग जी जो कि पहले विंग को देखता है घूर घूर के, उसके बाद वो एक शाया करता है, फिर वो भी बाथरूम में जाता है, चेंज करके आता है, वो भी सो जाता है और फिर वो बोलता है, गुड नाइट गगा। तो विंग जो है ना वो वांग जी की तरफ देखता है और फिर एक शाया करता है और फिर अपने मन में सोचता है, चाहे कुछ भी हो है तो ये मेरा अल्फा ही अब, गुड नाइट। ऐसा बोल के फिर वो मुँह फेर लेता है, वैसे ही मुँह फेरा था और भी फेर लेता है। और इस तरफ वांग जी जो कि एक स्माइल करता है अपने मन में और फिर वो बोलता है, चाहे कुछ भी हो मैं अपने गगा को धीरे धीरे मना ही लूँगा, है तो मेरे ओमेगा ही, ऐसे बोल के स्माइल करता है और फिर वो भी सो जाता है। यहाँ से हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग विंग वांग जी उठते हैं, नॉर्मली फ्रेश होते हैं, उसके बाद वो लोग नीचे चले जाते हैं ब्रेकफास्ट के लिए। और जब उनकी फैमिलीज देखती कि विंग ठीक ठाक है, नॉर्मल है, एकदम नॉर्मल है, तो वो ना मतलब डिसअपॉइंट हो जाता है वांग जी से और वो वांग जी की तरफ घूर घूर के देखते हैं। तो वांग जी जो है ना अपना हाथ उचका देता है और बोलता है कि मैं क्या करूँ, मतलब अपने इशारे में बोलता है कि मैं क्या करूँ। तो वो सभी जो है ना वो मतलब डिसअपॉइंट हो जाते हैं। फिर उसके बाद एक दो दिन तक वहाँ पर रहते हैं, उसके बाद वो सभी अपना सामान पैक करते हैं, लैंड फैमिली वो चले जाते हैं वापस चाइना जाते हैं। चाइना में जाने के बाद वो विंग को अपने साथ लैंड फैमिली में ही लेके जाते हैं, मतलब मैंसन में, लैंड मैंसन में ही लेके चले जाते हैं। तो विंग का जो मेड थे ना, जो वहाँ पे विंग का जो मतलब घर था उसमें जो मेड थे ना, उन्हें ना लैंड मैंसन में शिफ्ट करने के लिए बोल दिया गया था पहले, तो वो लैंड मैंसन में आ चुके थे।
तो विंग का जो डाइट चार्ट था ना वो उनके ही पास था, तो उसके हिसाब से ही वो खाना बनाती हैं विंग के लिए, और विंग का पूरा ध्यान रखने के लिए उनको ही अपॉइंट किया जाता है। मतलब कोई भी, मतलब वो नहीं दिखाता है विंग को कि मतलब विंग का यहाँ पे कोई भी परवाह नहीं करता है यहाँ पे, मतलब सब अपनी मर्जी चलाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं उसे फील करने देते हैं। वो बहुत ही आराम से विंग को रखना चाहते थे, सॉरी। हाँ, तो विंग जो है ना वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश था, यहाँ पे आया था वो नॉर्मली सबसे बिहेव कर रहा था, नॉर्मली था, अपना वर्क कर रहा था। नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं, नेक्स्ट डे वांग जी और विंग जो कि कॉलेज के लिए निकलने वाले थे, वो ब्रेकफास्ट करने के लिए नीचे जाने वाले थे अपने रूम से, तो वो विंग फिर बोलता है कि याद रखे ना मेरी बात को, भूले तो नहीं हो ना। तो वांग जी बोलता है कौन सी बात, तो विंग बोलता है क्या तुम भूल गए मैंने क्या कहा था वेडिंग नाइट वाले दिन। तो वांग जी जो है ना कुछ सोचता है और फिर बोलता है क्या बोला था आपने, तो विंग जो है ना वो अपने सर पीट लेता है और फिर बोलता है मैंने कहा था कि तुम वहाँ इस कॉलेज में किसी को भी नहीं बताओगे कि हमारी शादी हो चुकी है, समझ में आया। तो वांग जी बोलता है हाँ हाँ मुझे पता है, ऐसा बोल के वो छिड़ के चला जाता है, अपने मन में बोलता है जब देखा तब बोलते रहते हैं यही सब, पता नहीं किस टाइम पे मैंने इन्हें पसंद किया, ये तो मुझ पर हुकुम ही चलाते रहता है, थोड़ा सा भी नहीं सोचते इनका ये अल्फा कितना ज़्यादा कितना 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 ज़्यादा सैड है। चलो कोई बात नहीं जाने दो, ऐसा सोच के वो एक सैड वाले स्मेल करता है और फिर वो चला जाता है नीचे, और नीचे जाता है ब्रेकफास्ट करता है, काफ़ी शांति से ब्रेकफास्ट हो रहा था वहाँ पे, विंग भी शांति से ही करता था क्योंकि वो अकेले रहता था अपने घर में, तो वो भी एकदम शांति से ही ब्रेकफास्ट करना पसंद करता है। ब्रेकफास्ट हो जाने के बाद वो दोनों ही अपने अलग अलग कार लेते हैं और कॉलेज निकल जाते हैं। कॉलेज का सीन देखते हैं हम, कॉलेज में विंग जो है ना अपने स्टाफ रूम में आता है, अपने सारे बुक्स को अरेंज करता है और फिर अपने क्लासेस लेने के लिए जाना स्टार्ट कर देता है। इस तरह वांग जी का सीन देखते हैं, वांग जी जो कि अपने फ्रेंड्स के पास आता है, वो काफ़ी ज़्यादा सैड था, उसके फ्रेंड्स पूछते हैं कि क्या हुआ तुम इतने सैड क्यों, और तुम तो गए थे ना वेकेशन पे अपनी फैमिली के पास गए थे कुछ दिनों के लिए। तो वांग जी जो है ना वो एक सैड से स्माइल करता है और फिर बोलता है गया था। तो उसके फ्रेंड पूछते वैसे बुलाए क्यों थे क्या बता सकते हो तुम, तो वांग जी जो है ना एक सैड से बहुत सैड से स्माइल मतलब बहुत सैड से एकदम फेस को बनाते हुए बोलता है मेरी शादी हो गई और मेरा ओमेगा मेरी बिल्कुल भी इज्जत नहीं करता है, मेरी ज़बरदस्ती शादी करवा दी गई। ये सुनते ही उसके सारे फ्रेंड शॉक्ड, और इधर वांग जी अपने मन में सोचता है मेरे ओमेगा ने कहा था कि ये नहीं बताना कि मेरी और उनकी शादी हुई है, लेकिन ये तो मैं बता ही सकता हूँ कि मेरी शादी हो चुकी है, आई एम सो टैलेंटेड, मैं बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हूँ, ऐसा सोच के ना स्माइल कर रहा था अपने मन में सताने वाली हंसी। और फिर उसके बाद वो अपने फ्रेंड्स को देखता है, स्वयं बोलता है ओके फाइन तुम्हारी शादी हो गई है ठीक है, लेकिन कौन है वो ओमेगा नाम बताओ। तो वांग जी जो है ना वो बोलता है मैं नाम नहीं बता सकता सॉरी दोस्तों चलो क्लासेस के लिए लेट हो रहा है, ऐसा बोल के फिर वो लोग क्लासेस के लिए चले जाते हैं। अब विंग का सीन देखते हैं, विंग जो कि क्लासरूम में एंट्री करता है वांग जी के, जैसे ही एंट्री करता है ना तो उसकी नज़र वांग जी की तरफ जाता है, वांग जी जो कि काफ़ी ज़्यादा स्वीट सी स्माइल दे रहा था विंग को, और विंग जिसका दिल जो है ना धड़कना स्टार्ट कर देता है, वो अपने मन में सोचता है इसकी तरफ नहीं देखना, ऐसा बोल के वो एक गहरी सांस छोड़ता है। उसके बाद वो फटाफट क्लास लेना स्टार्ट कर देता है। अब ऐसा है ना कि विंग जो है ना अब वो काफ़ी ज़्यादा मतलब अजीब फील करने लगा था कॉलेज में भी घर पे भी, विंग वांग जी से थोड़ा अजीब फील कर रहा था, उससे दूरी बना रहा था। वांग जी सोचता है कि
ये नाइट में भी मुझसे दूरी बनाता है, बीच में पिलो रख के सोता है, और कॉलेज में भी मुझसे दूरी बनाता है, मेरे करीब भी नहीं आता है और ना ही मुझे करीब आने देता है, मुझे एक बूंद भी टच नहीं करने देता है। आखिर बात है तो है क्या? क्या कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं? मेरा ओमेगा ठीक तो होगा ना? फिर एक दिन उसी तरह मतलब वांग जी ये सारी बातें को सोच रहा था तो वो विंग को दिखता है, विंग जो कि स्टोर रूम में कुछ बुक्स को रखने जा रहा था। तो वांग जी जो है ना देखता है कि कोई देख तो नहीं रहा है ना, ऐसा देखते ही वो भी उस स्टोर रूम में घुस जाता है और फिर विंग को कैच कर लेता है, मतलब विंग को ना मतलब रोक देता है। तो विंग जो है ना वो बोलता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, तो वांगजी जो है ना वो बोलता है कि वो मैं आपको चेक करने आया था, कहीं आप बीमार तो नहीं हो, ऐसा बोल के वो जैसे ही विंग के फोरहेड पे हाथ रखता है ना, विंग को उसके माइंड की बात सुनने स्टार्ट होता है। विंग सुनता है, ओह मेरा ओमेगा कितना क्यूट है, कहीं उसको बुखार वुखार तो नहीं हुआ है ना, आजकल बहुत ज़्यादा दूरी मुझसे बना रहा है, मुझसे बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा है सही से, देखो जरा कहीं उसे बुखार तो नहीं ना हो गया है, ऐसा बोलते हुए ना वो मतलब उसके फॉरहेड को टच कर रहा था। इस तरफ विंग्स को ये वॉइस सुनाई देता है ना, तभी वो बोलता है वांची मेरी फिकर करता है इतना और मैं उसके साथ काफ़ी ज़्यादा रूड हूँ, क्या ये ठीक है? मुझे सच में कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तभी विंग जो ने धीरे से उसका हाथ अपने सर से हटाता है और बोलता है डोंट वरी मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, ठीक है। तो वांगजी जो है ना एक स्माइल करता है, विंग को पकड़ के दवा दीवार पे ना पिन कर देता है और विंग को कैच एकदम कर लेता है, तो मतलब कैद कर लेता है अपने बाहों में, और इसके कारण से विंग विंग का जो मतलब बॉडी है ना दीवार के साइड सटा हुआ था उसका पीठ, और विंग के अगल बगल वांगजी का दोनों हाथ था, और वांगजी ने अपने नीचे पूरी बॉडी से ना उसको एकदम ग्रैब कर लिया था, पकड़ लिया था। और वी जो है ना अभी उसके पूरे माइंड की बात सुन रहा था, वांग जी सोच रहा था, वो सोचता है वी का आप कितने ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हो, काश मैं ये बोल सकता अपने माउथ से, क्योंकि आप तो मेरी बात को तो सुनते ही नहीं हो, मुझे इग्नोर कर देते हो, मुझे बहुत हर्ट फील होता है, मुझे मन करता है आपके इन सॉफ्ट से लिप्स को टेस्ट करने का, आपके इस चिक्स को पुल करने का, क्यूट से चिक्स को टच करने का, आपके आँखों में खोने का बहुत मन करता है, लेकिन मैं कर नहीं सकता क्योंकि आप खुद को टच करने को अलाउड ही नहीं करते हो, मैं वेट करूँगा तब तक जब तक आप खुद मुझसे ना कहो कि मैं आपके करीब आऊँ, आपको प्यार करूँ, आपको किस करूँ, आपको टच करूँ, आप कहाँ हो जाऊँ, मैं वेट करूँगा उस दिन का। ऐसा बोल के वो धीरे धीरे वांग जी जो है ना वो विंग के फेस को बिल्कुल भी नहीं टच कर रहा था, सिर्फ हल्का हल्का ऊपर ऊपर मतलब उसे मतलब फील करा रहा था कि उसका हाथ जो है ना उसके बॉडी पे चल रहा है, लेकिन वो चला नहीं रहा था, पर हाँ नीचे से उसकी बॉडी पूरी टच थी। तो वांग जी जो है ना वो बोलता है कि मैं बहुत आपका क्रेविंग करता हूँ, लेकिन मैं खुद को बहुत मुश्किल से कंट्रोल भी करता हूँ, आई होप अब जल्दी मुझे अपना लो। ऐसा बोल को वो तुरंत दूर हो जाता है और फिर बोलता है सॉरी, वो मैं खुद को रोक नहीं पाया, सॉरी गगा, ऐसा बोल के वो चला जाता है वहाँ से। इस तरफ विंग जो कि अपने मन में सोचता है क्या वांग जी सच में उससे प्यार करता है, उसके लिए वो वेट कर रहा है। ऐसे सोच के वो एक गहरी सांस छोड़ता है और फिर वो भी चला जाता है उस रूम से। एक बात बता दूँ, स्टोर रूम का डोर बंद कर दिया था वांग जी ने, ठीक है मैं बोलना भूल गई थी। तो चलिए आज का पार्ट मैं यहीं तक रखती हूँ, बाकी का मैं नेक्स्ट पार्ट में बताती हूँ कि क्या होता है आगे, ठीक है? अभी मुझे काफ़ी नींद आ रही है तो चलिए मैं रख रही हूँ, बाय बाय गाइस।